हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि सब आप अपने घर में ठीक होंगे। तो आज व्लॉग की शुरुआत होती है यहाँ से और मैं ये बना रही हूँ टाइसन के लिए खाना, क्योंकि मैं उसको रोटियाँ नहीं देती और ये तो अंडा और चावल बना रही थी मैं उसका। और ये मैंने अपने घर के लिए पालक पनीर बनाने के लिए भी तैयारी कर रही हूँ। मतलब साथ साथ है ना, दोनों काम सारे साथ काम एक साथ हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर ये टाइसन के चावल बनकर तैयार हो गए थे और मैंने यहाँ पर ये पालक की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। ठीक है, तो इस व्लॉग में ना ये ज़्यादा तो नहीं, बस दो तीन दिन का एक साथ व्लॉग बना दे रही हूँ। और यहाँ मेरी हालत ख़राब हो रही थी क्योंकि गर्मियों में ना क्या ही दिखाऊँ आपको, क्या ही बनाऊँ मैं व्लॉग। गर्मियों में शूटिंग करने का भी मन नहीं करता, तो सिमरन ने कहा कि मम्मी थोड़ा सा तो व्लॉग शूट कर ही लो, काफ़ी दिन हो गए व्लॉग नहीं बनाए। तो ये देखिए कितने सारे बीज, बस वेले बैठे बैठे बीज ही खाते रहते हैं हम तो खरबूजे के। बहुत सारे बीज मैंने धो के रख लिए थे। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि किस किस को बीज बहुत टेस्टी लगते हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, देखो कितने सारे खा के रखे हुए हैं मैंने। और ये सिमरन को भूख लगी थी तो अपने खाने के लिए उसने आलू का भरता बनाया था। फिर वही अपना डेली का रूटीन, शाम हुई शाम को ऊपर छत पर जाना, पौधों की देखभाल करना, उन्हें पानी डालना। और इतने सुंदर लगते हैं ना भाई पौधे, देखो आप भी देख रहे हो कितने सुंदर हैं, ग्रीन हरे भरे। और कई होते हैं ना कि ऐसे गर्मियों में पौधे सूख जाते हैं यार, दो टाइम पानी तो चाहिए इनको गर्मियों में, तो सुबह और शाम दोनों टाइम। कितनी सुंदर सुंदर लीव्स हैं देखे। ये मेरा बेलपत्र का पौधा है, बहुत सुंदर है। इसकी भी सारी लीव्स चली गई थी, नहीं आई है इसकी सारी लीव्स। और ये मुझे थोड़ा इसका ठीक ठाक करना है, इसका सेटअप करना है, ये ख़राब हो गई हैं। और ये देखो इधर मनी प्लांट कितनी सुंदर हो रखी है। बाकी के पौधे तो ठीक ठाक हैं, सब अच्छे अच्छे हो रखे हैं, सुंदर हो रखे हैं। और किस किस को प्लांटिंग पसंद है, क्योंकि मुझे ना मतलब सारे काम अच्छे लगते हैं। मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट के काम बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे टूटी हुई चीज़ों से मतलब कुछ भी कबाड़ वबाड़ जो होता है उसे जुगाड़ करना बहुत अच्छा लगता है। पौधे मुझे प्लांटिंग बहुत पसंद है, मतलब मुझे पौधों लगाना बहुत पसंद है, पौधों की देखभाल करना पसंद है। और सुंदर सुंदर पौधे हों, हरे हरे पेड़ पौधे हों, फूल खिले हों, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पेड़ पौधों ही लगाने से ना घर भी बहुत सुंदर लगता है। तो बस वही है, मैं पढ़ 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 बोले जा रही हूँ और आपको जल्दी जल्दी में कुछ समझ आ नहीं रहा होगा, क्या करूँ। लेकिन फिर वही है ना, थोड़ी सी छोटी सी वीडियोस होती है और आप लोगों को मैं क्या ही बताऊँ। बस वही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूँ या कुछ मैं बता सकूँ तो मैं बस वही सब करती रहती हूँ। और बस ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, वाओ वो बहुत सुंदर लगते हैं। और गर्मियों में इतने सुंदर फूल दिखना तो वैसे ही मुश्किल हो जाता है। तो वही बस अब इस वीडियो में आपको, क्योंकि मैम आपका फ़ेस तो दिख ही नहीं रहा। अब मेरा फेस इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि सिर्फ वीडियोस बना लेती हूँ, क्योंकि आस पड़ोस में ना एक तो छोटे छोटे चिपके चिपके से घर है ना, तो आस पड़ोस में ना शोर इतना होता है ना कि अपनी आवाज़ में क्या ही बोलूँ। माइक मेरे पास है नहीं, फ़ोन में आवाज़ क्लियर इतनी आती नहीं है, बाहर का नॉइज़ ज़्यादा कैच करता है फ़ोन और मेरी आवाज़ को इतना कैच करता नहीं। फिर वही पीछे से आवाज़ें जो इतनी आती हैं शोर शराबा, उसमें समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। तो इसलिए मैं बस फिर वीडियो भी बना लेती हूँ ऐसे और फिर वॉइस ओवर करके डाल देती हूँ। बस वही है, ये पेड़ पौधे तो बस आपको पता ही है कि जिनको प्लांटिंग, ये तो मेरा पौधा बिल्कुल ख़राब हो गया, पेंसिल प्लांट बहुत बेकार हो गया। ये ठीक ठाक है, इसके भी पत्ते थोड़े ऐसे ही हो गए, जल मिल गए हैं। बाकी ऑल ओवर व्यू देख लो आप मेरी छत का, तो आपने देखा ही है कितनी बार देखते हो आप इसे, और ब्लॉग्स में तो आप मेरे देखते ही रहते हो, वीडियोस में भी देखते रहते हो, छोटे छोटे शॉर्ट्स बना के डालते हो उसमें भी देख लेते हो। ऑल ओवर बहुत अच्छा है मुझे, लेकिन चाहिए कि और पौधे होने चाहिए छत पे। करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन बस वही है कि ना साथ में टाइसन भी है ना, टाइसन की वजह से ना मैं और ज़्यादा रख नहीं पाती पेड़ पौधे, क्योंकि फिर उसको। और ये देखो ये टाइम लैप्स बन रहा है और इस वाले टाइम में उसमें सिमरन पानी डाल रही है पौधों को, क्योंकि ये वीडियो जो भी आप देख रहे थे फ़ोटोज़ की वो सिमरन ने ही शूट करी थी। तो वो कहती कि मम्मी बहुत दिन हो गए आपने व्लॉग नहीं डाले, व्लॉग बनाओ कि मैं आपकी थोड़ी देर के लिए वीडियो बना के लेकर आती हूँ आपके लिए टाइम लैप्स। तो चलो कोई नहीं, आप ये भी इंजॉय करो। देखो बेचारी कितनी मेहनत करती है, कैसे पानी डालती है, वो उनको पानी डालती है, उन्हें नहलाती है, बहुत बच्चे बहुत सपोर्टिंग है मेरे दोनों। ये देखो लग रहे हैं ना कितने सुंदर लग रहे हैं।
बच्चे बहुत हेल्प करवाते थे मेरी, बहुत हेल्प करवाते मेरी, बहुत सुंदर कर दी। देखो पूरी ऐसा लगता है उसने पूरी छत ही धो दी है। उसे भी बहुत मज़ा आता है ना पानी से। गर्मियाँ हैं, गर्मियों में तो बच्चों को लगता ही है कि बस पानी से खेलते रहो खेलते रहो। तो शाम हो चुकी थी, जैसा मैंने आपको बताया था कि पालक पनीर बनाया था, तो ये यहाँ पर आज का सलाद सिमरन ने डेकोरेट करा है। वो कहती मम्मी आज मैं सलाद को डेकोरेट करूँगी, तो बस उसे पता नहीं क्या शौक चढ़ गया था कि सलाद डेकोरेट करने का, और छिलके से देती जा रही थी खाने के लिए वो। और वो कह रही मम्मी ये देखो मैं रोज़ बना के दिखा रही हूँ आपको। उसने पहले टमाटरों से रोज़ बनाया, फिर प्याज से, अब कहती है मैं इसकी पत्तियाँ बनाऊँगी खीरे की, आप ये देखो कैसे बना रही हूँ, आप दिखाओगे कैसे बनाते हैं, कि अगर आपके घर में गेस्ट वगैरह आएँ तो आप ऐसे सलाद को डेकोरेट करके उनके आगे रख सकते हो। और सच में वाकई में दूर से देखने बहुत सुंदर लग रहा था, पास से थोड़ा वैसा लग रहा था लेकिन दूर से बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके पापा भी बोले थे कि आज इस सलाद की जगह फूल कहाँ से आ गया, बहुत सुंदर लग रहा था। और बस गर्मियों में तो सबको सलाद खाना चाहिए, और हमारे घर में तो वैसे भी बहुत खाते हैं। देखिए क्या उसने शॉट लिए है ना, बस पूछो मत, एकदम सिनेमेटिक शॉट लेके। तेरी मम्मी बहुत, उसे खुद को बहुत सुंदर लग रहा, खाने खाने भी नहीं दे रही थी किसी को, कहती ऐसे मत खाना, सिर्फ जब सब खाएंगे तब खाना, भी कोई हाथ मत लगाओ वरना ख़राब हो जाएगा। उसे अपने पापा को दिखाना था कि ये देखो कैसे सुंदर सा बनाया है। मुझे यहाँ पे उसने कहा था कि मम्मी म्यूज़िक लगाना, पर मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर कर दिया। और ये अगले दिन की वीडियो है जब मैं वोट डालकर आई थी।